हेलो दोस्तों, आप लोग को बैंकर्स पाथ में स्वागत है। मैं तक आप लोग को सरलीकरण पढ़ा रहा था। और आज परसेंटेज में स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, परसेंटेज में स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही आसान है, एक बार समझ लीजिए, इजी रहेगा। परसेंटेज, प्रतिशत, कोई दिक्कत? बोलिए। परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर दिख रहा है? बोलिए। परसेंटेज कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। क्या ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये पेन दिख रहा है, ये पेन अपने आप में क्या है, 100% है? बोलिए। यदि मैं इसका कैप हटा दूं तो क्या ये 100% होगा? बोले ये नहीं, क्योंकि ये अधूरा है। ठीक है, तो कैप को हम बोल सकते हैं, कैप और पेन दोनों मिलेगा तब क्या होगा, 100% रहेगा। उसी प्रकार देखिएगा, आइए परसेंटेज में हम लोग को क्या पढ़ना है। बोलिए। यहां आइएगा, 1/2 कितना परसेंट है? बोलिए। तो बोलिए 1/2 अपने आप में 50% है, कोई दिक्कत यहां तक? बताइए। और 1/3, 33.33% है, यहां तक कितनी दिक्कत? 1/4 बताइए, बोलेगा 25%, 1/5 इक्वल टू 20%। बोलिए। और फिर आइएगा 2/3 कितना होगा? बोलिए। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 66 पॉइंट, बोलिए क्या हो जाएगा, 66 लिख सकते हैं। और बताइए क्या होगा, 2/4 कितना होगा, जो बताइए। तो 2/4, बोलिए तो ये भी हो जाएगा आपका 50%, कोई दिक्कत? बोलिए। उसके बाद देखिएगा 3/4, 3/4 कितना परसेंट है? बोलिए 75%, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है बताइए, 1/5 तो यहां लिखे। उसके बाद बोलिए 2/5, 2/5 कितना परसेंट है? बोलिए तो 20/25, 20 × 40%, कोई दिक्कत? 3/5, 60%, कोई दिक्कत? 4/5 इक्वल टू 80%, कोई दिक्कत? 1/6 बोलिए कितना होगा, 16 होल 2/3%। आइए 5/6 कितना होगा? बोलिए तो बोलिए तो इसका 5 गुना है, तो 16 × 5 = 80, यानी कि 83 होल 1/3%। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक समझने में किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। चलिए 1/7 कितना होता है? बोलिए 14.2/7%। उसी प्रकार 2/7 कितना होता है? बोलिए तो 28. बोलिए 4/7%, कोई दिक्कत? 3/7 कितना होता है? बोलिए 14 × 42, 3 × 6 = 7%। देखिए, तो कोई दिक्कत समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं किस प्रकार से। यहां एक था तो यहां हुआ दो, यहां दो था तो यहां हो गया चार, यहां तीन था तो यहां हो गया छह, मतलब 2 गुना हो रहा है लगातार, समझे? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जैसे यहां 3 किए, यहां 14 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया,
उसी प्रकार यहाँ 3 था तो 14 से मल्टीप्लाई किए तो 42 आ गया, कोई दिक्कत बताइए। उसी प्रकार आइएगा 1/8 कितना परसेंट, 12.5%। 2/8 कितना होगा बताइए, बोलिए बताइए कितना परसेंट होगा, बोलिएगा हो जाएगा 25%। 3/8 कितना होता है बोलिए, 37.5%। और क्या है, 5/8 कितना होता है, 12 × 5 = 60, 60 × 12 = 24, 62.1/2%, यानी कि हाफ, 62.5%। 5/8 था, उसके बाद फिर 7/8 कीजिए आप लोग। ये नॉर्मल परसेंटेज है आप लोग को जो याद करना है, समझे, इसको आप लोग रट लीजिए, जैसे भी रटिएगा इसको रट लीजिए, ठीक है। 87 होल 1/2%, उसके बाद क्या, 1/9 क्या होता है, 11 पूर्णांक 1/9%, ठीक है। 2/9 क्या होता था, ये तो 22 पूर्णांक 2/9%। चलिए 1/10 इक्वल टू कितना होता है, 10%। 1/11 इक्वल टू कितना होता है, 9 होल 1/11%। 2/11 क्या होता है बोली तो, 18 पूर्णांक 2/11%। बोलिए 1/12%, 8.33%। 5/12 लगभग 41 पूर्णांक 2/3%। 1/20 इक्वल टू 5%। 1/25 इक्वल टू 4%। इस डायग्राम को आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग जितना ज्यादा बार पढ़िए उतना अच्छा रहेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, सभी लोग जितना जल्दी आप लोग याद कीजिएगा, मैथ बनाने में उतना आसान होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। चलिए देखिएगा, यदि बोला जाए एक्स का 2% कितना होगा, जो बताइए बोलिए एक्स का 2% क्या होगा, बोलिए। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स गुने 2/100, कोई दिक्कत बोलिए बताइए। चलिए उसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यदि एक कंपनी का शुद्ध लाभ 2003 में 50 करोड़ था, ठीक है, 2003 में कितना था बोलिए तो, 50 करोड़, कोई दिक्कत, 50 करोड़ से बढ़कर 2004 में कितना हो गया बोली तो, 2004 में कितना हो गया, 75 करोड़, कोई दिक्कत बोलिए। 2003 में था 50 करोड़, 2004 में हो गया 75 करोड़, तो इंक्रीज परसेंटेज बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, जो बताइए। चलिए आइए कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। था कितना मेरे पास, 50, हो गया कितना,
75, ठीक है, कितना बढ़ रहा है बोली तो, बोलेगा 25 बढ़ रहा है, ठीक है, 25 मेरा बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 50 पे गुने 100, ठीक है, यहाँ से काटेगा कितना बार में बोली तो, दो मरते तो कितना परसेंट बढ़ा बताइए, हो जाएगा 50% इंक्रीज हुआ, कोई दिक्कत बोलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। आइए एक और क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल में, तीन में कोई स्कूल में था कितना, 900 बच्चा, ठीक है, और 2005 में हो गया कितना बताइए तो, यहाँ हो गया 1300 बच्चा, हमको बताना क्या अप्रोक्स हाउ मच इंक्रीज परसेंट, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बताइए अप्रोक्सीमेशन हमको बताना है, लगभग पे अनुमानित बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है, चलिए देखिएगा, था मेरे पास कितना 900, बढ़कर कितना हो गया बोली 1300, देखिए तो कितना बढ़ रहा है मेरा, बोलिएगा 400 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, देखिएगा 400 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा, 900 पे गुने 100, 1212, ठीक है, चलिए काटिए इसको, 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, 0.9 चौका 36, लगभग इतना परसेंट, कोई दिक्कत, चलिए आएगा उसी प्रकार एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ही, सीखिए आप लोग एग्जाम्पल, ठीक है, किसी वस्तु को मूल्य में, ठीक है, मूल्य में यहां देखिए, फर्स्ट 20% और सेकंड कितना है 25%, हाउ मच इंक्रीज, चलिए एक ही वस्तु के लगातार दो बार वृद्धि हो रहा है, ठीक है, इसमें भी इंक्रीज का सिंबल मैं लगा देता हूँ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला 20% हुआ तो 20% हम इसको कैसे लिख सकते हैं बोली तो, 5 से 6 लिख सकते हैं, बताइए कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलिएगा नहीं समझ में आया, चलिए देखिए सिखाना ही है तो बढ़िया सिखाता हूँ बेसिक लेवल से, जैसे हमको 20% इंक्रीज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, यदि कोई वस्तु 5 रुपया का था तो उस पर 1 रुपया इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत, तो उसी प्रकार हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 से 6, अब आइए 25%, यहाँ देखिए 25% इंक्रीज मतलब 1 से 4 से 1 बढ़ रहा है, मतलब पहले 4 रुपया था अब 5 रुपया हो गया, 4 से 5 हो गया, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, कोई दिक्कत, टोटल इंक्रीजमेंट कितना होगा बोली तो 2 से 3, बढ़ रहा है कितना 1, 1 बढ़ रहा है किस पे, 2 पे गुने 100 इक्वल टू हो जाएगा 50%, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए इसी क्वेश्चन के दूसरा मेथड से मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, चलिए पहला 20% इंक्रीजमेंट था है ना, तो सक्सेसिव कैसे लगता है आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 20, फिर हो गया 25 प्लस क्या होता है 20 गुने 25 बटा 100, कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाई 100, कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, बोली तो 45 प्लस यहाँ काटेगा कितना होगा, 20 25 100, 5 5 25, यहाँ हो जाएगा 5%, मतलब कितना हो जाएगा बोली, दोनों परसेंटेज में ही है क्योंकि यही परसेंट में बढ़ रहा है, यहाँ भी परसेंट में बढ़ रहा है, इस जगह परसेंट में है, इस जगह परसेंट में है, सब जगह परसेंट में, ठीक है? तो लगभग कितना हो गया बोले तो 50%, कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिए किसी वस्तु के प्राइस में, ठीक है, प्राइस में कितना वृद्धि हुआ बोलिए, 20% इंक्रीज हो गया, व्हाट कंजंक्शन, कंजंक्शन में 25% डिक्रीज हो गया, तो हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज, तो हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज जो बताना, चलिए मतलब बताइए, किसी वस्तु के मूल्य में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में मतलब प्राइस था बढ़ गया 20%, मतलब समझ रहे हैं, 5 से पहले प्राइस 5 था, तब हो गया 6, और कंजंक्शन मतलब समझ रहे हैं खरीद, तो पहले 4 यदि कोई खरीदता था तो अब 3 खरीद रहा क्योंकि उसका रेट बढ़ गया, ठीक है? तो आइए 5 चौक 20, छोटिया 18, यहां एक बार और काटिए, 10 से 9, बोलिए डिक्रीज कितना हुआ, 1 किस पे, 10 पे गुने 100 इक्वल टू 10%, क्या हुआ लॉस, लॉस में निगेटिव लगाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत बोलिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आइए इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव से दिखाता हूं करके, चलिए सक्सेसिव से किस प्रकार से होगा देखिए, सक्सेसिव पहले 20% बढ़ गया, फिर माइनस, यहाँ परसेंट के साइन, माइनस 25% घट गया, कोई दिक्कत? फिर माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुने 25 बटा 100, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं दिख रहा 25, चलिए 25 काटिए, यहां से काटिएगा कितना होगा, 25 चौक 100, 4 5 20, कोई दिक्कत? चलिए ये दोनों को पहले घटाइए कितना होगा, बोलिएगा -5%, और यहां भी क्या आ रहा है बोलिए, -5%, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या, -10%, देखिए लॉस, दोनों सेम है जो बताइए, दोनों मेथड से मैं बता रहा हूं आपको, जिससे सहूलियत लगे वो बनाइए आप, क्या दोनों सेम दिख रहा है आप लोग को बोली तो, बोलिएगा बिल्कुल सेम है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, चलिए आइएगा, क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा, बोला गया है चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 128 का 51% हमको निकाल कर दिखाइए, चलिए कैसे निकलेगा जो बताइए, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, सॉल्व
12% ऑफ 39 निकालिए। ये दो क्वेश्चन, चलिए निकालिए। देखिए, क्या इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 50% प्लस 1%? बोलिए, आप लोगों को दिख रहा है? क्लियर? बोलिएगा जी बिल्कुल दिख रहा है। आइए, उसके बाद क्या करेंगे? इसका 50% करेंगे तो कितना होगा? 64। अब 1% क्या होगा? 1.28। जोड़िएगा कितना आएगा बोलिए तो? 65 पॉइंट। बोलिए, सिक्सटी फाइव पॉइंट बोलिए 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार इसको निकाली तो चलिए, 39 × 1/8, 8 चौके 32। कोई दिक्कत? बचा कितना? 7। उसको मान लीजिए 70, 8 8 64, फिर बचा कितना? 6 8 7 56, 8 5 40, इस प्रकार से निकलेगा। चलिए, कोई दिक्कत? आइए, कुछ क्वेश्चन और मैं करवाता हूं, ठीक है? कुछ बनाइएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड लोड नहीं किया हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, शहर की जनसंख्या प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में होगा 12 लाख। कोई दिक्कत? और बोला गया है, प्रत्येक वर्ष पर ईयर 4% से इंक्रीज, छोटी लिखा गया, 4% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, ऊपर का सिंबल। तो 2 ईयर के बाद बताइए। चलिए बताइए कैसे होगा, आइए देखिएगा। 4% मतलब हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, बोलिए तो। बोलिए, 1/25 होता है। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत? बोलिए तो, 2 साल के लिए मान लीजिए, अभी 25 है तो अगला साल कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। प्रेजेंट में 25 है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा मेरे पास 26। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ कितना? 625, 26 का 676। कोई दिक्कत? बोलिए, इसका मान कितना दिया हुआ है बोलिए तो? 12 लाख। कितना टाइम से बताइए, कितना टाइम से? आवाज जा रही है आप लोग को? कितना टाइम से आप लोग गुना करके बताइए। यहां देखिएगा कितना टाइम से, 1920 टाइम से। क्या करना फिर? गुना, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है? तो इसमें गुना कर दीजिए, 190 1920 कितना होगा बोलिए? 12,000, मतलब 12,97,920। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए, सेम क्वेश्चन है,
उसी प्रकार है वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है 54,000 है, ठीक है, और 5% के दर से बढ़ रहा है, 5% के दर से, तो 2 वर्ष पहले का बताएं। चलिए सेम चीज है, आइएगा, इसमें भी बढ़ रहा है उसमें भी बढ़ रहा था, ठीक है, 5%, 5% मतलब क्या जानते हैं, बोलिए तो 1/20, तो कोई वस्तु 20 का है तो हो जाएगा कितना 21, बोलिए, उसी प्रकार यहां होगा 20 का 21, कोई दिक्कत, यहां हो जाएगा 400, यहां हो जाएगा 441, कोई दिक्कत, आइए इसका मान कितना दिया हुआ बताइए तो, बोलिए इसका मान दिया हुआ आपको 54,000, हाउ मच टाइम्स बताइए, बोलिए कितना मच टाइम्स हो रहा है, कीजिए गुना, 54,000 डिवाइड बाई 441, 21 के तो 441 ही होता है, आई थिंक, तो कितना टाइम से बताइए तू, पॉइंट में आएगा 122.44, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा क्या 48979, पॉइंट नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत, चलिए यही मेरा आंसर आ जाएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत, ये देखिए प्रेजेंट का मान आ गया था और ये आ गया पहले का मान, समझे, इसीलिए इसमें गुना किए करना पड़ा, चलिए रहने दीजिए आज, कल मैं स्लाइड लगाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, धन्यवाद, और इसको प्लीज शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, चलिए थैंक यू।